Yes, hello team. Very good morning to everyone. Welcome back to Tutorials Academy, and I hope you all are geared up for this session on Unit 4 Organization Behavior. ठीक है, चलिए. So हम लोग इस unit Organization Behavior को आज decode करेंगे, सारे concept को समझेंगे और revise करेंगे through MCQs. So let's start. Honest, capable, forgiving, courageous, etc. are example of dash values. I'll be little fast. एक crash course है, मुझे काफी कुछ complete करवाना है. It's a challenge for me also कि कुछ भी छूटे ना और सारा चीज revise भी हो जाए, right? इसीलिए थोड़ा fast चलेंगे हम लोग. Done? Okay. तो honest, capable, forgiving, courageous, etc. are example of terminal values, instrumental, verb, postal. देखिए, तो values के ना दो types होते हैं, ठीक है? एक होता है terminal और दूसरा होता है instrumental, ठीक है? तो terminal values मतलब टर्मिनल मतलब लास्ट में, अल्टीमेटली व्हाट यू वांट इन लाइफ. यू वांट पीस इन लाइफ, यू वांट हैप्पीनेस इन लाइफ, तो वो टर्मिनल है, ठीक है? और इंस्ट्रूमेंटल क्या है? इंस्ट्रूमेंटल मींस ये जो अल्टीमेटली हमें पीस चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए, जो अल्टीमेट चीजें हैं वो है टर्मिनल. और इंस्ट्रूमेंटल क्या है कि इन चीजों को हासिल करने के दौरान हम जो जो चीजें करते हैं वो है इंस्ट्रूमेंटल. कि आपको एक पीसफुल जॉब चाहिए तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप हार्डवर्क करते हो डेली, तो हार्डवर्क क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल. तो इंस्ट्रूमेंटल विच वी डू डेली टू रिसीव टर्मिनल वैल्यूज, है ना? तो देखिए एग्जांपल, तो ऑनेस्ट, कैपेबल, फॉरगिविंग, करेजियस, ये सारा किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये सारा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि ये वी आर ऑनेस्ट, वी आर कैपेबल, वी मेक आवरसेल्फ कैपेबल सो दैट वी कैन बी अल्टीमेटली पीसफुल एंड हैप्पीनेस हैप्पी इन आवर लाइफ. ठीक है, एक बार डेफिनेशन देखते हैं. देखिए, टर्मिनल वैल्यूज आर डिजायरेबल, है ना? जो वैल्यू, जो चीज हमें चाहिए, है ना? ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ, आपके लाइफ का क्या एम है? आपका लाइफ का एम है टू गेन सेल्फ रिस्पेक्ट. आपका लाइफ का क्या एम है? टू गेन हार्मनी. आपके लाइफ का क्या एम है? टू गेन हैप्पीनेस, है ना? तो आप अल्टीमेट चीज जो अपनी बिहेवियर से हासिल करना चाहते हैं वो टर्मिनल वैल्यूज है. तो वो बिहेवियर से जो आप अल्टीमेट चीज हासिल करना चाहते हैं, और इंडिकेट द मेथड एन इंडिविजुअल वुड लाइक टू अडॉप्ट, है ना? आप अपने लाइफ का एम को पाने के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल, है ना? तो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को पाने के लिए आप क्या करते हो, आप ऑनेस्ट होते हो, आप ऑनेस्ट होते हो, आप कैपेबल होते हो, आप फॉरगिविंग होते हो, ताकि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, आपको हैप्पीनेस मिले, आपको हार्मनी मिले. उसके लिए आप बहुत सिचुएशंस में करेजियस बनते हो, राइट? तो ये सारी चीजें हैं कि कौन सा मेथड आप यूज करोगे टू अचीव लाइफ से. टर्मिनल इंस्ट्रूमेंटल. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग, सच ओपिनियन इज डैश कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड ए बी सी. यू हैव टू आंसर 5 seconds. जल्दी, डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग. देखिए, जो चीजें ऑलरेडी करा दी गई हैं वो करवाना दोबारा, है ना? तो वो बस एक रिवीजन होगा और जिसमें कि मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी. तो डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग, ये कौन सा कंपोनेंट एटीट्यूड का? इफेक्टिव कॉग्निटिव बिहेवियरल. क्विकली, क्यों टाइम लग रहा है? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा. सेम टू सेम इसी तरह के, इसी लेवल के, इसी तरह से कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए कि जो पढ़ाया गया है टाइप्स ऑफ एटीट्यूड. सॉरी, जो पढ़ाया गया है वो अप्लाई करना आ रहा है कि नहीं. यस. कॉग्निटिव हो जाएगा. कॉग्निटिव जो आपके माइंड में जो इंफॉर्मेशन है, आपके माइंड का जो जजमेंट है, आपके माइंड की जो समझदारी है, वो आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट है. बिलीफ, ओपिनियन, नॉलेज, ये सारा. नेक्स्ट, द डैश थ्योरी डिस्कसेस हाउ पीपल डिस्क्राइब इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस इन देयर लाइव्स एंड हाउ दे अडॉप्ट टू द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन. एट्रिब्यूशन, प्रोपिंक्विटी, टॉलरेंस थ्योरी, नन ऑफ द अबव. नोट डाउन कर लीजिए, ये तीनों थ्योरी इंपॉर्टेंट है. अगर इफ यू आर कैरिंग योर नोटबुक, नोट डाउन दी दिस थ्योरी. और ये तीनों मैं आपको करवाऊंगी, बिल्कुल करवाऊंगी, लेकिन ये तीनों ही, कि तीनों आपको आना चाहिए. प्रोपिंक्विटी थ्योरी क्या होती है, टॉलरेंस थ्योरी क्या होती है, एट्रिब्यूशन थ्योरी क्या होती है. हमारा आंसर यहाँ पे एट्रिब्यूशन थ्योरी है. एट्रिब्यूशन थ्योरी मतलब कि हाउ पीपल डिस्क्राइब इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस इन देयर लाइव्स एंड हाउ दे अडैप्ट टू द रिजल्ट ऑफ दोज एक्शंस. सॉरी. देखिए, आप किस तरीके से अपने लाइफ के इवेंट्स और एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हो और हाउ दे अडैप्ट टू द रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन, है ना? जैसे कि कोई बंदा बार बार ऑफिस में लेट आता है
और वह ऑफिस में लेट आता है, ठीक है. तो दिस इज एन इवेंट, तो यू आर अट्रीब्यूटिंग द रीजन ही इज कमिंग लेट टू द ऑफिस बिकॉज ही वेक्स अप लेट, बिकॉज ही वेक्स अप लेट, है ना. तो जो भी आपके लाइफ में जो कुछ भी चीजें हैं, जो भी एक्सपीरियंस है, उसमें क्या करते हो, आपके रीजन को, जो भी रिजल्ट है, कोई भी इवेंट है, उसमें कोई रीजन को एट्रीब्यूट करते हो. व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज ऑफ दिस, है ना. तो अपने नॉलेज से, अपनी बुद्धि से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने ज्ञान से, जो भी चीजें हो रही है उसमें कुछ एट्रीब्यूट करते हो. व्हाई दिस इज हैपनिंग, दैट इज एट्रीब्यूशन थ्योरी, ठीक है. डेफिनेशन, what happens when a person takes the information they perceive and determines the reason as to whatever. This is what I have done. What happens when a person takes the information they perceive. So I have taken the information that a person is coming late every day. You know, to determine the reason. So I am determining the reason that he is coming late because he is waking up late. Because he wakes up late. ठीक है. तो जो भी हुआ उसमें हम रीजन एट्रीब्यूट करते हैं. तो दैट इज व्हाट इज एट्रीब्यूशन. एट्रीब्यूशन थ्योरी में व्हाट वी डू एट्रीब्यूशन. तो इस तरीके से हम ह्यूमन बिहेवियर के कॉज को समझने की कोशिश करते हैं, है ना. तो ये बिहेवियर है. बिहेवियर क्या है? कमिंग लेट इज बिहेवियर. उसका कॉज क्या है? वेक अप लेट. तो एट्रीब्यूशन थ्योरी में वी फाइंड आउट द कॉज ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर. द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूशन थ्योरी इज दैट पीपल वांट टू नो द रीजंस. Reasons for action. Any action is being done, तो उसका रीजन क्या है? ठीक है, आपके बॉस अगर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, what is the reason? है ना. और हम लोग उस बिहेवियर को, अपने रीजन को एट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं. एट्रीब्यूशन थ्योरी वॉज गिवन बाय फ्रिज हेदर. फ्रिज हेदर का ये बुक है द साइकोलॉजी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक. कभी कई बार हर पीएससी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये बुक किसने लिखी. तो यू मेक अ रिपोजिटरी, आप अपने रिपोजिटरी में नोट डाउन कीजिए. फ्रिज हेदर की बुक है द साइकोलॉजी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन. केम इन 1958 का जो टाइम है ना, 1950s का टाइम है. इस समय ना बहुत सारे पर्सनैलिटी की थ्योरी, बहुत सारे बिहेवियरल थ्योरी, बहुत सारे इमर्ज हुए. तो बहुत सारी थ्योरीज आपको इस टाइम पे मिलेंगी. एक टिप है आप लोगों को. The dash is a combination of characteristics or qualities that forms a person's unique identity. किसी भी person की unique identity इसके उसके कौन से characteristics या कौन से qualities से बनती है. Combination of qualities or characteristics that forms a person's unique identity. Personality, perception, attitude, none of the above. Yes, thank you, Saroj. Yes, yes. That is a combination of characteristics or qualities that forms a person's unique identity. That will be personality. पर्सनैलिटी. कोई भी पर्सन को आप याद कीजिए, आपके मदर फादर, जैसे मैंने कहा वो भी, मैंने अपने आसपास की चीजें, अपने ऑफिस की चीजें, अपनी क्लास की चीजें, अपने फ्रेंड्स की चीजें, हर कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट कीजिए अपनी लाइफ के कुछ ना कुछ इवेंट. आप यू विल एंजॉय द मोस्ट. वो भी बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है. तो अपने फैमिली में देखिए कि आपके अगर भाई है, दो भाई है, तो दोनों भाई अलग अलग है. आपके चार दोस्त है, चारों दोस्त अलग अलग है, चारों दोस्त की पर्सनालिटी अलग अलग है. आपकी तीन बहनें हैं, तीनों बहनों की पर्सनालिटी अलग अलग है. व्हाई? तो पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज दैट फॉर्म्स अ पर्सन यूनिक आइडेंटिटी. तो जो भी आपकी थ्री सिस्टर्स हैं, तीनों का जो आइडेंटिटी है, तीनों अलग अलग है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दे पोजेस. हर पर्सन में कुछ ना कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि उनकी पर्सनालिटी को बनाती है. तो पर्सनालिटी इज व्हाट? कि हाउ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रोजेक्टेड टू द वर्ल्ड, है ना. दुनिया आपके जो आपका जो यूनिक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको किस तरीके से आप प्रोजेक्ट करते हो दुनिया में, यही बनाती है आपकी पर्सनैलिटी. डन डन, ठीक है, ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. पर्सनैलिटी का एक डेफिनेशन भी है. इट सिग्निफाइज अ रोल विच पर्सन प्लेज इन पब्लिक, है ना. तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू आप पब्लिक में कौन सा रोल प्ले करते हो. इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर्सनैलिटी इज, पर्सनैलिटी क्या है, देखिए, aggregate of person's feelings, thinking, behavior, responses to different situation and people, है ना. आपके थ्री सिस्टर्स हैं, थ्री ब्रदर्स हैं, तो उनका बिहेवियर, थिंकिंग, रिस्पॉन्सेस दुनिया में अलग अलग है, राइट. उनका एक्शन अलग अलग है, इससे उनकी उनका यूनिकनेस पता चलती है जो उनके पर्सनैलिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है. Are you preparing for UGC NET Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Right? तो personality का definition से question आएगा, आप solve कर लोगे. Question number 5, people who believe that they can control and shape the course of events in their lives. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा planning करते हैं कि अगले साल ये करना है, 6 महीने बाद ये करना है, 2 साल बाद ये करना है, 3 साल बाद ये करना है, उसके बाद ऐसे करेंगे, 4 साल के बाद they will become the millionaire, something like this, है ना. तो जो अपने जिनको believe होता है कि वो अपने life का life
लाइफ का कोर्स कंट्रोल कर सकते हैं, उनके लाइफ में क्या क्या होगा वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। दे डू नॉट बिलीव ऑन लक कि जो होगा भगवान जो करेंगे देखेंगे, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। दे डू नॉट बिलीव ऑन लक, दे डू नॉट बिलीव ऑन फेट, बट दे बिलीव ऑन देयर ओन एक्शन दैट दे कैन कंट्रोल द शेप ऑफ इवेंट्स इन देयर लाइफ, दैट है इनर लोकस ऑफ कंट्रोल, आउटर लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर किसी को पता है? नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा इनर लोकस ऑफ कंट्रोल। देखिए, जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल इनर होता है ना, जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल इनर होता है ना, मतलब खुद पे विश्वास है। इनर है मींस व्हाट, है ना, याद कैसे रखेंगे कि इनर है कि आउटर है। इनर मींस इनसाइड, इनसाइड अस, इनसाइड अस मींस वी हैव फेथ इनसाइड अस, मींस वी हैव बिलीफ इनसाइड अस। तो इनर लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल अगर है हमारा, तो हमारा सेल्फ एफिकेसी है, हमें अपने सारे एक्शंस पे भरोसा है, सारे एक्शंस पे विश्वास है, हमें अपने आप पर विश्वास है कि हम जो भी करेंगे वो सक्सेसफुली इंटरप्रेट होगा। हमें अपने पर्सनल डिसीजन और हमारा बिहेवियर हमारा पर्सनल डिसीजन को गाइड करता है, हमारे एफर्ट को गाइड करता है, एंड वी हैव कंट्रोल ओवर थिंग्स वी कैन चेंज, है ना। हमें अपनी लाइफ में जो जो चीजें चेंज कर सकते हैं हमारे पास उन पे कंट्रोल होता है, राइट। और जिनका एक्सटर्नल या आउटर लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, उनको लगता है कि उनका बिहेवियर है, उनका लाइफ जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है किस्मत के द्वारा या फिर लक के द्वारा, राइट। तो वो क्या होता है, वो अपने आप को सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे छोड़ देते हैं, वो अपने आप को विक्टिम्स ऑफ लाइफ ट्रीट करते हैं, है ना, विक्टिम्स ऑफ बैड लक ट्रीट करते हैं। तो वो बहुत ज्यादा कंप्लायंट होते हैं, उनको जैसा बोला जाता है वो वैसा कर लेते हैं, है ना, और अपने लाइफ को अलाउ करते हैं कंट्रोल बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनकी लाइफ को कंट्रोल करती है। ये हो जाते हैं पीपल विद एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। आपकी लाइफ में दोनों तरह के लोग होंगे, आप उनसे रिलेट कर सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। लो सेल्फ मॉनिटरिंग इंडिविजुअल्स प्रेफर दैट देयर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स देयर एटीट्यूड एंड आर नॉट एज फ्लेक्सिबल इन अडैप्टिंग their behavior to situational cues, true or false. Low self-monitoring individuals prefer that their behavior reflects their attitude and are not as flexible in adapting their behavior to situational cues. ये बिल्कुल बिल्कुल सही है, right? 6 का आंसर हो जाएगा true. Question 6, I will take that out. ये जो क्वेश्चन के ऊपर मेरा नेम और मोबाइल नंबर आता रहता है वो हटेगा या नहीं, बहुत इरिटेट करता है, क्वेश्चन को हाइड कर देता है बार बार। अच्छा, ऐसा है, आपका नेम और मोबाइल नंबर आ रहा है क्या? अच्छा सरोज, ये एक्चुअली ये बैकएंड का इशू है, टेक्निकल इशू है, मुझे तो नहीं पता, मेरे स्क्रीन पे तो कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा, आपका मोबाइल पे आपका स्क्रीन पे आता होगा, तो व्हाट टू डू, एक बार मैं टेक्निकल टीम से बात करते हैं उसके बारे में, किस चीज को रिमूव कर दिया जाए। आई थिंक ये सबके साथ ही प्रॉब्लम होगा, तो रिमूव ही करवा देते हैं, इसका कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। तो टेक्निकल टीम से बात करते हैं उस बारे में। 6 का आंसर हमारा क्या होगा? यस, ट्रू हो जाएगा, बिकॉज सेल्फ, देखिए सेल्फ मॉनिटर ऐसे नाम से भी पता चल रहा है, यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब आप खुद को मॉनिटर कर सकते हो, तो आप खुद को मॉनिटर करोगे मतलब आप अपने बिहेवियर को मॉनिटर करोगे, तो आप बिहेवियर को मॉनिटर करोगे दैट मीन्स यू विल बी फ्लेक्सिबल, यू विल बी फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे लिखा है नॉट एज फ्लेक्सिबल, तो सेल्फ मॉनिटरिंग कम है तभी तो आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। सेल्फ मॉनिटरिंग अगर आप खुद को बहुत ज्यादा मॉनिटर कर सकते हो तो क्या होगा, तो आप अपने बिहेवियर में फ्लेक्सिबल होगे, राइट। अगर आपका सेल्फ मॉनिटरिंग ज्यादा है, इफ योर सेल्फ मॉनिटरिंग इज मोर, है ना, सेल्फ मॉनिटरिंग मोर, तो जैसे जैसे अगर आपके पेरेंट्स आएंगे तो उनके हिसाब से चेंज करना, आपके मान लीजिए शादी हो गई, इन लॉज आएंगे उनके हिसाब से खुद को एडजस्ट करना, आपके फ्रेंड्स हैं उनके हिसाब से खुद को एडजस्ट करना। यू आर वेरी फ्लेक्सिबल इन अडेप्टिंग टू बिहेवियर सिचुएशन, तो सेल्फ मॉनिटरिंग हाई है। अगर सेल्फ अगर आप खुद को मॉनिटर नहीं कर पाते हो, योर सेल्फ मॉनिटरिंग इज लो, तो आप अलग अलग बिहेवियर अलग अलग सिचुएशन में खुद को चेंज नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे लो सेल्फ मॉनिटरिंग है, तो दैट मीन्स वी आर नॉट एज फ्लेक्सिबल, ये बिल्कुल सही है, है ना। तो अगर नहीं भी पता है तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो भी आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सेल्फ मॉनिटरिंग क्या होता है, कैपेबिलिटी टू रेगुलेट बिहेवियर एज पर सोशल सिचुएशन। जैसे लड़कियों की शादी होती है एंड दे गेट अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज कर लेती हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ मॉनिटर कर लेती हैं व्हेन दे मूव टू देयर इन-लॉज हाउस, राइट। तो वो क्या है, वहां पे उनकी हाई सेल्फ मॉनिटरिंग एटीट्यूड पता चलता है, ठीक है। तो सेल्फ मॉनिटरिंग अगर लो है तो क्या होगा, वो जो सेल्फ मॉनिटरिंग अगर लो है तो हमें जैसा चाहिए, वो एक गाना था ना, कोई हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, राइट, कि हम खुद को बदलेंगे नहीं, हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, हम जो है वही ठीक है।
तो वहां पे लो सेल्फ मॉनिटरिंग है. तो लो सेल्फ मॉनिटरिंग टेंड टू यूज इनर बिलीफ एंड वैल्यूज इन डिसाइडिंग हाउ टू बिहेव, है ना. वो जो गाना था वीर ज़ारा में, राइट, हम तो भाई जैसे हैं. तो वहां पे लो सेल्फ मॉनिटरिंग वो बिल्कुल शो कर रहा है. लेकिन हाई सेल्फ मॉनिटरिंग क्या है कि भाई हम सराउंडिंग को रिस्पेक्ट देते हैं, सराउंडिंग के लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं ज्यादा, खुद के बिलीफ से ज्यादा, और उसके अकॉर्डिंग हम खुद को चेंज करते हैं. तो दे चेंज देयर बिहेवियर टू फिट इन. करेक्ट, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, यस यस. ठीक है नजमा सरोज, थैंक यू फॉर योर दिस थिंग. मैं टेक्निकल टीम से बात करती हूँ कि भाई इसको हटा दिया जाए, और आई एम सॉरी कि आपको ये सब फेस करना पड़ रहा है. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हु डेवलप्ड थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, TAT भी इसको बोला जाता है. ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसके बारे में बताएंगे. और पर्सनैलिटी टेस्ट है, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट इसको, और किसने बताया है, मोरे एंड मॉर्गन ने बताया है. ठीक है, और देखिए आगे क्या होता है. वो गेव सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, आपको क्या क्या याद रखना है, आपको कुछ फैक्ट्स भी याद रखने हैं, आपको थ्योरी का भी समझना है. तो फैक्ट्स आपने याद रखा, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट किसने दिया था, मोरे एंड मॉर्गन ने. सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी हमारी किसने दी थी, कार्ल रॉजर्स. कार्ल रॉजर्स का नाम आता है सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में. सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप नोट डाउन करते जाइए. सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में कार्ल रॉजर्स ने चार एलिमेंट्स के बारे में बात की है जो आपके सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती है. वो चारों एलिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे MCQs के थ्रू, तो आपको क्लियरली मैं उस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझा दूंगी. ठीक है, सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी कार्ल रॉजर्स, आर वी नोटिंग इट डाउन. ओके, तो सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एक्चुअली क्या आप एम्फसाइज करता है, इट एम्फसाइज ऑन द परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल हैज फॉर हिमसेल्फ एंड परसेप्शन ऑफ रिलेशनशिप ही हैज विद अदर. सेल्फ थ्योरी में वो सेल्फ पे फोकस कर रहा है, सेल्फ पे फोकस कर रहा है कि आपका खुद के बारे में परसेप्शन क्या है, आप खुद के बारे में क्या समझते हो, खुद के बारे में क्या समझते हो कि मैंने जो लाइफ में जैसे सोचा था वो कितना अचीव किया है, मुझे आगे लाइफ में कितनी दूर जाना है, मुझे और आगे कैसा बनना है, whether I am good son, whether I am good daughter, whether I am good sibling or anything, on the perception of relationship he has with others and other aspect of life, है ना. ये है सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. तो कार्ल रॉजर्स हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स दिस थ्योरी. इसमें उन्होंने चार एलिमेंट दिए और थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जब तक कि आपको दिखेगा नहीं यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो हम लोग इससे रिलेटेड MCQ को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट, रिंगल मैन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, किसी को पता है क्वेश्चन नंबर 9 रिंगल मैन इफेक्ट क्या होता है. रिंगल मैन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, रिंगल मैन इफेक्ट, सोशल लूपिंग, सिनर्जी, ग्रुप थिंक, ये तीनों बहुत ही अच्छे वर्ड हैं और ये तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए. ऑल दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल लूपिंग, सोशल इफेक्ट, रिंगल मैन इफेक्ट जो है वो है सोशल लूपिंग, सोशल लूपिंग. ठीक है, जैसे मेरे घर में क्या था कि आई हैव टू सिस्टर. ठीक है, तो वेन आई वॉज अलोन इन द हाउस आई यूज टू डू सो मच वर्क, आई यूज टू डू सो मच वर्क. ओके, एंड वेन माई सिस्टर केम, वेन माई सिस्टर केम, ठीक है, देन वी बोथ could not complete even half of the work because we were busy talking to ourselves, है ना. तो that was what, that was ringle man effect, that was social loafing. मतलब एक प्लस एक, कोई कोई लोग होते हैं ना कि दो लोग मिलकर के पूरा का पूरा टीम बना देते हैं, एक और एक ग्यारह, एक और एक ग्यारह वाला अगर हम बात करते हैं तो that is synergy. कि दो लोग मिलकर के एक सिनर्जेटिक इफेक्ट करते हैं, दो लोग मिलकर बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं. और जहां पे दो लोग को मिला दिया गया और जो अकेले जो काम करते हैं उससे भी कम काम किया, दो लोग बस बातों में ही रह जाते हैं और काम कंप्लीट नहीं करते, दैट इज व्हाट इज सोशल लूपिंग. और सोशल लूपिंग को हम रिंगलमैन इफेक्ट कहते हैं. समझ आ गया, समझ आ गया. तो सोशल लूपिंग और सिनर्जी एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है. क्या है, ऑपोजिट है. ग्रुप थिंक, ग्रुप थिंक क्या होता है, ग्रुप थिंक मतलब थिंकिंग इन ग्रुप, मतलब कि आप अपना सोच अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग ही बना लेते हो. ग्रुप थिंक, योर थिंकिंग इज व्हाट इज व्हाट ग्रुप इज थिंकिंग. ठीक है, अब ग्रुप ग्रुप थिंकिंग है कि भाई चैट जीपीटी तो हमारा बहुत अच्छा इन्वेंशन है. आपको लग रहा है नहीं, चैट जीपीटी क्या करेगी, आपकी जॉब को ले लेगी, है ना, आपकी जॉब को ले लेगी. तो आप क्या करोगे, लेकिन फिर भी आपने अपना पर्सनल बिलीफ को सेट असाइड कर दिया है और यू आर अडॉप्टिंग द रेस्ट ऑफ द ग्रुप, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ग्रुप वाले आपको बाहर तो नहीं कर देंगे अपने ग्रुप से. तो आपके ग्रुप वाले आपको अपने ग्रुप से बाहर तो नहीं कर देंगे. इस डर से आप क्या कहते हो, आप एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें कि आपको कंसेंसस चाहिए. कंसेंसस चाहिए मतलब एप्रिसिएशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए अपने ग्रुप मेंबर का ही. ठीक है, सो रिंगल मैन डन. रिंगल मैन, रिंगल मैन नाम का एक पर्सन था जिसने सोशल लूपिंग आइडेंटिफाई की थी, इसीलिए रिंगल मैन इफेक्ट है. सिनर्जी डन. ओके, आगे बढ़ते हैं क्विकली. विच इज कॉन्शियस एंड लॉजिकल पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड इज एसोसिएटेड विद रियलिटी प्रिंसिपल. ईगो, सुपर ईगो, आइडिया. बहुत सारे लोगों को इसमें इतना कंफ्यूजन होता है, इतना कंफ्यूजन होता है कि कौन सी थ्योरी है, क्या है. ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जो है ना,
ये साइको एनालिटिकल थ्योरी है, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज साइको एनालिटिकल थ्योरी. ठीक है, साइको एनालिटिकल थ्योरी है एंड 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 इट वॉज गिवन बाय सिगमंड फ्रीड. सिगमंड फ्रीड के जो पर्सनालिटी में और साइकोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है सिगमंड फ्रीड का. ठीक है, इनकी बुक है, इनके कई सारे बुक्स हैं, इनकी कई सारी थ्योरीज हैं, बहुत कुछ है. तो सिगमंड फ्रीड ने ये तीन चीजों के बारे में बताया था, ईगो, सुपर ईगो, आईडी इन हिज साइकोलॉजिकल थ्योरी, जिसपे बाद में बना ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, जिसमें बाद में बना ट्रांजेक्शनल एनालिसिस बाय एरिक बर्न. फिर एरिक बर्न ने ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के बारे में बताया कब, 1958. मैंने आपको बताया था 1958 के समय आप बहुत पर्सनालिटी के ये साइकोलॉजी के थ्योरीज देखोगे, तो 1958 में. तो एरिक बर्न ने, और इसमें ट्रांजेक्शनल एनालिसिस में हमारा पेरेंट ट्रांजेक्शन, चाइल्ड ट्रांजेक्शन और एडल्ट ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, जो कि इससे लोग रिलेट करके कंफ्यूज हो जाते हैं. अब समझ में आ गया, ये टोटल अलग चीज है, ये टोटल अलग चीज है, ये टोटल अलग चीज है. सिगमंड फ्रॉयड से हेल्प लिया है एरिक बर्न ने. डन. तो ईगो सुपर तो आईडी जो है वो क्या है, वो प्लेजर प्रिंसिपल है. यहाँ पे बच्चों का होता है, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कि उनके जो भी नीड्स हैं उनका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए. अभी टीवी देखना है, तुरंत टीवी ऑन कीजिए. अभी खाना चाहिए, अभी खाना खिलाओ. अभी टॉय चाहिए, तुरंत. ठीक है, ईगो क्या होता है, ईगो हमारा रियलिस्टिक प्रिंसिपल होता है. ईगो रियलिस्टिक प्रिंसिपल होता है जिसमें कि एडल्ट वाली थिंकिंग होती है, जो कि हमारी वाली थिंकिंग है, कि हम अपने जो हमारी जो नीड्स है उसको सुटेबल टाइम पे हम भेज देते हैं. तुरंत हमें ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, जैसे कि हमें टीवी खरीदना है तो बिग बिलियन डे आने दो तब टीवी खरीदेंगे, है ना. तो दैट इज व्हाट इज एक अंडरस्टैंडिंग, एक रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग, वो है ईगो. और सुपर ईगो क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं, सुपर ईगो एथिकल प्रिंसिपल है कि जो सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेनी चाहिए, कल्चरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेनी चाहिए. अभी सावन है, सोमवार है और, तो वो सब जो चीज जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कल्चरली आपको क्या करना चाहिए, एथिकल प्रिंसिपल, वो है सुपर ईगो. ठीक है, डन. ओके, चलिए 10 का डी किसने आंसर किया है भाई, सरोज ने. क्यों सरोज, लॉजिकल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, यही तीनों तो लॉजिकल पार्ट ऑफ, ये तीनों पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है. और लॉजिक में आ जाता है लॉजिकल, रियलिटी में ईगो आ जाता है जिसमें एडल्ट होते हैं जैसे कि हम और आप. डन. नेक्स्ट, ईगो सुपर ईगो हमारा कौन सा प्रिंसिपल है, एथिकल प्रिंसिपल. ईगो रियलिटी प्रिंसिपल, डिसीजन टेकिंग एज पर सोसाइटल नॉर्म्स, आईडी प्लेजर प्रिंसिपल. ओके, चलिए. इमैच्योरिटी एंड मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम बहुत बार आया है एग्जाम में, बहुत बार आया है, गिवन बाय क्रिस एग्रीज. और यहाँ पे क्या है, एक कॉन्टिन्यूम है जिसमें कितने स्टेजेस हैं, 7 स्टेजेस हैं, कि कोई एक बच्चा है और वो बड़ा होकर के मैच्योर हो गया है, तो उसमें उसके 7 लक्षण है, 7 लक्षण है जिससे पता चलता है ये कॉन्टिन्यूम है, कि ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है. इन 7 स्टेजेस पे वो बच्चा बड़ा होकर के मैच्योर होता है. तो हाउ मैच्योरिटी एंड इमैच्योरिटी इज आइडेंटिफाइड, 7 स्टेज इन द कॉन्टिन्यूम इज देयर. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पर्सन्स डेवलपमेंट इज प्रोसेस्ड अलोंग अ कॉन्टिन्यूस ब्रेक ऑफ इमैच्योरिटी सिचुएशन टू अ मैच्योरिटी सिचुएशन, इमैच्योरिटी सिचुएशन टू अ मैच्योरिटी सिचुएशन. यहाँ पे 7 स्टेजेस. अ मैच्योर पर्सन इज कैरेक्टराइज्ड फॉर बीइंग एक्टिव, इंडिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ कंट्रोल्ड. और इमेच्योर पर्सन हमारा काफी ज्यादा पैसिव होता है, जैसे कोई छोटा बच्चा हो गया, पैसिव है, डिपेंडेंट है मदर पे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फील्स नीड फॉर कंट्रोल बाय अदर्स. लेकिन मेच्योरिटी में ऐसा नहीं होता. तो 7 स्टेजेस हैं, ये आप यहाँ पे तो नहीं है, आप एक बार पढ़िएगा अगर आपके पास नोट्स हो, क्रिस एग्रीज के 7 स्टेजेस ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी कॉन्टिन्यूम. मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन में ये पूरा 7 स्टेजेस का नोट्स बना करके आपको प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में ही मैं प्रोवाइड कर दूंगी. अभी आगे बढ़ते हैं. लीडरशिप मोटिवेट्स अ पर्सन टू डू वर्क रादर देन द यूज ऑफ मनी और पावर. दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 12. मैंने आपको बोला था कि कल आप लोग ये मॉडल्स को पढ़िएगा, ओबी के मॉडल्स, 4 मॉडल्स हैं. सो प्लीज स्टडी, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 12 एंड आंसर दिस क्वेश्चन. लीडरशिप मोटिवेट्स अ पर्सन टू डू वर्क रादर देन द यूज ऑफ मनी और पावर. सरोज और नजमा दोनों का आंसर बिल्कुल गलत है. आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ये मॉडल, तभी ये गलत हो रहा है. और ये सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है, दिस इज द सिंपलेस्ट टॉपिक ऑफ ओबी. बाकी सारी चीजें तो मैं बता दी, पर्सनालिटी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, एटीट्यूड, परसेप्शन, ये सब मुश्किल चीजें हैं, ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं.
ये बिल्कुल सिंपल है, इसीलिए मैंने बोला भाई खुद से देखिए, खुद से पढ़िए, बट स्टिल क्यों गलती हो रही है। सपोर्टिव मॉडल 12 का सी किसने आंसर किया है? यस स्वाति, वेरी गुड। अनामिका ने भी गलती की है, अनामिका, नजमा, सरोज सभी ने गलती की है। और इनफैक्ट अगर कल का सेशन भी आपने अच्छे से सुना होगा तो मैंने इन सबको डिस्क्राइब तो किया ही था बोलकर, तो कल मैंने आपको बहुत बोला था, कल मैंने डिस्क्राइब किया था, तो मैंने बोला था सपोर्टिव मॉडल में जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो एक बहुत अच्छा लीडरशिप, आपको लीडरशिप का सपोर्ट होता है, ये मैंने कल ही बताया था, तो आपको वो भी याद होता तो यू वुड हैव आंसर्ड क्वेश्चन पॉइंट नंबर सी। ठीक है, सो इट्स डिसहार्टनिंग, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो या सिंपल क्वेश्चन में भी गलती कर रहे हो, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। ओके, एनपीसीआईएल देखिए टारगेट बना लीजिए, पीएसयू एचआर क्रैक करना ही है, देखिए एक बार में तभी होगा, अगर आपने पहले दो चार बार पीएसयू एचआर एग्जाम दिए हैं तो आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको समझ में आ जाएगा वेयर यू आर लैकिंग, आपके मार्क्स कहाँ कम हुए, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है और एक बार में ही क्रैक करना है तो उसका एक ही मंत्र है, यू विल नॉट, डोंट बी लीनियंट, जितना हो सके, ठीक है ना, जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लीनियंट नहीं होइए। और आज 1st of August है, यू हैव हार्डली बस एक महीने का टाइम है, तो एक महीना जो है ना वो बिल्कुल सोच लीजिए, दिस मीन्स दिस और हो जाएगा, इट इज डूएबल। इनफैक्ट मुझे भी नहीं लगता था कि वेदर आई कुड वुड बी एबल टू क्रैक पीएसयू एग्जामिनेशन और नॉट, बट आई क्रैक इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ कोविड के इश्यूज हो गए जिसके कारण आई कुड नॉट ज्वाइन, राइट, सो बिकॉज ऑफ सम कोविड इश्यूज आई कुड नॉट ज्वाइन, सो आई एम हियर, लेकिन आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, इट दिस कैन हैपन, तो एक मंच जो है ना वो बहुत अच्छे से आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। यस, सो क्वेश्चन नंबर 12, लीडरशिप मोटिवेट्स अ पर्सन टू डू वर्क रादर देन द यूज ऑफ मनी और पावर, दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू सपोर्टिव मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल में क्या होता है, ऑटोक्रेटिक मॉडल में पावर की बात होती है, कस्टोडियल मॉडल में हम जो वेलफेयर और सिक्योरिटी मिलती है हम उसी में इतना डूबे हुए रहते हैं कि हमारा जो वर्क मोटिवेशन होता है वो कम हो जाता है कभी कभी। कॉलेजियल मॉडल में टीम वर्क की बात होती है, ये सब ऑलरेडी कल ही डिस्कस किया था। तो द सपोर्टिव मॉडल सीक्स टू अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज एंड फोकस ऑन दोस थिंग्स टू मोटिवेट एंड इंस्पायर। व्हेन एम्प्लॉयज आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव देमसेल्फ दे ऑफन टेक पर्सनल इनिशिएटिव टू परफॉर्म बेटर एट देयर जॉब। डन, ठीक है, ओके, वन सेकंड, या सो वन सेकंड फ्रेंड्स, प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 13। यस, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, कॉलेजियल मॉडल, स्टार्टअप की बात हो रही है, कलीग्स हैं साथ में मिलकर बात काम कर रहे हैं, कोई हायरार्की का लोड नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का लोड नहीं है, फ्रेंडली एनवायरमेंट होगा, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर कॉलेजियल मॉडल। यस, चलिए यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाती है नीड्स की। क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 14। यस, क्वेश्चन नंबर 14, सो इन क्वेश्चन नंबर 14 वी आर टॉकिंग अबाउट 3 dark traits ऑफ पर्सनैलिटी, 3 dark traits, और 3 dark traits हैं वो कौन कौन से हैं बताऊंगी, इट इज गिवन बाय पीटर जोनासन, उन्होंने बोला पर्सनालिटी के 3 dark traits, पहला है नार्सिसिज्म, दूसरा है मैकवेलिनिज्म और तीसरा है साइकोपैथ। ठीक है, तो कौन सा इन तीनों में से कौन सा वो ट्रेट है कि विच सीज अ पर्सन सो फोकस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट दे विल मैनिपुलेट डिसीव एंड एक्सप्लॉइट अदर्स टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है, एकता कपूर का सीरियल आपके मन में आ रहा होगा, उसके कोई पर्सन या फिर किसी डेली सोप का या फिर कोई सा भी, यू कैन आपके अकॉर्डिंग, तो डिनोट्स कनिंगनेस, कुछ लोग बहुत कनिंग होते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, धोखा देते हैं, चीट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, एबिलिटी टू बी मैनिपुलेटिव एंड अ ड्राइव टू यूज व्हाटएवर मींस नेसेसरी टू गेन पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का, सर आई एम चेकिंग, 14 का ए है, यस, वेरी गुड, मैक्वेलिनिज्म, करेक्ट, एम से याद रखिए, मैनिपुलेटिव। नार्सिसिज्म क्या होता है, जो काफी ज्यादा बोस्टफुल होते हैं, खुद की बातें करते हैं, खुद की तारीफ करते हैं और उनको क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनका क्रिटिसिज्म कर दो तो दे बर्न इनसाइड, राइट। साइकोपैथ मतलब जो इसका कीवर्ड है वो एंटी सोशल बिहेवियर। अब एंटी सोशल बिहेवियर कोई सा भी हो सकता है, कोई इंसान बहुत ज्यादा पागल है, मैड है, वो रोड पे घूम रहा है एंड मतलब कुछ भी, तो एंटी सोशल मतलब जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर नहीं है। यहाँ पे वन ऑफ द बिहेवियर इज क्रिमिनल, क्रिमिनल टेंडेंसी सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं होती है, एंड इफ यू आर इनफैक्ट मेंटली नॉट स्टेबल एंड डूइंग समथिंग विच इज नॉट एज पर द सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि वो एंड साइकोपैथ बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, साइकोपैथ मीन्स नॉट एज पर द सोसाइटल नीड्स, ठीक है,
यस, तो क्रिमिनल टेंडेंसी हमारे यहाँ पर आ जाएगी. डन. तो पीटर जोनासन ने इनको दिया था, तो ये पीटर जोनासन नाम आप याद रखेंगे, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. ना कोई पर्सन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, किसी पर्सन का जो होता है ना, वो किसी मूवी में था ड्यूअल पर्सनालिटी, ड्यूअल पर्सनालिटी भी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तो वो भी साइकोपैथ कहलाएगा, राइट. चलिए, विच नीड ऑफ एम्प्लॉइज इज मेट इन कॉलेजियल मॉडल. बहुत इजी क्वेश्चन है. कॉलेजियल मॉडल में हमारा कौन सा नीडमेंट होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. लोग अच्छी खासी जॉब छोड़ करके यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर लोग अच्छी खासी जॉब छोड़ करके कोई स्टार्टअप अपना ओपन करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने के लिए. दिस इज व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ. द रूट लेवल ऑफ दिस मॉडल इज पार्टनरशिप विद अ मैनेजरियल ओरिएंटेशन ऑफ टीम वर्क. एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि मैनेजरियल ओरिएंटेशन, है ना. जस्ट नोट दिस कीवर्ड, मैनेजरियल ओरिएंटेशन. तो मैनेजरियल ओरिएंटेशन इन कॉलेजियल मॉडल इज व्हाट? तो मैनेजरियल ओरिएंटेशन इन कॉलेजियल मॉडल इज टीम वर्क. मैनेजरियल ओरिएंटेशन इन ऑटोक्रेटिक मॉडल इज पावर. मैनेजरियल ओरिएंटेशन इन कस्टोडियल मॉडल इज मनी. मैनेजरियल ओरिएंटेशन इन कॉलेजियल मॉडल इज टीम वर्क. और मैनेजरियल ओरिएंटेशन इन सपोर्टिव मॉडल इज, आई थिंक कुछ लीडरशिप है, या फिर कुछ ऐसे कुछ पॉजिटिव सा वर्ड है, कुछ लीडरशिप है शायद, ना लीडरशिप या फिर सपोर्ट, ये है इसका मैनेजरियल ओरिएंटेशन. तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक बार मैं ऐसा फॉलोइंग में आया था, तो मुझे बिल्कुल ध्यान है, तो मैं आपको बता दूंगी. इतना तो हम लोग कर लेंगे, राइट. नेक्स्ट नेक्स्ट. If any incompatibility exists between two or more attitude and behavior and leads to a feeling of discomfort, it is related to. एक feeling of discomfort आता है. Why? Why? Because of incompatibility between two or more attitude or behavior. क्या है ना कि आपके boss ने आपके promotion को recommend नहीं किया, ठीक है, तो you are very sad. At the same time, boss अभी आपको कुछ extra और load दे रहे हैं, कुछ job enlargement, कुछ extra responsibility मिल रही है, तो आपका क्या, आपका attitude क्या है? You are very sad. But इन योर बिहेवियर यू आर नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट इट. तो क्या हो रहा है कि एक मेंटल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जैसे है ना, कभी ऐसा होता ना, जैसे कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली आपका एटीट्यूड है, आपको लगता है कि नहीं, वट एवर यू आर डूइंग यू शुड बी सेविंग योर एनवायरमेंट, बट वॉट हैपन्स, एक बार गलती से आप यू फॉरगॉट टू कैरी द क्लॉथ बैग एंड यू हैव टू परचेज प्लास्टिक बैग. आप प्लास्टिक बैग यू आपको यूज करना पड़ रहा है, तो आपके मन आपका आपका एटीट्यूड क्या है, दैट यू विल प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, यू विल नॉट, यू विल डिसवेड पीपल फ्रॉम यूजिंग प्लास्टिक्स एंड यू योरसेल्फ आर यूजिंग प्लास्टिक बैग. तो आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर क्या है, व्हाट यू, हाउ यू एक्ट और रिएक्ट, तो आप प्लास्टिक बैग कैरी कर रहे हो. तो ये दोनों में क्या हो जा रहा है, जस्ट दोनों में डिसोनेंस हो जा रहा है, इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जा रही है, जो आपके मन में एक मेंटल डिस्कम्फर्ट लाता है. डेली हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है कि जैसा हम सोचते हैं तैयारी करते हैं वैसा नहीं होता, राइट. आप यू थॉट यू आर योर, आपका एटीट्यूड क्या है कि यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू बी वेरी फिट, आप सुबह उठोगे योगा करोगे, बट वॉट योर बिहेवियर इज लाइक टिल 9 AM यू आर इन द बेड. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है ना, उस समय 8:50 में मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है कि भाई एक्सरसाइज भी करना है, उठना भी है, बट यू डोंट वांट टू वेक अप. तो दैट इज व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी. आपका एटीट्यूड और बिहेवियर में जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस. यस, दिस प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ मेंटल डिस्कम्फर्ट लीडिंग टू अल्टरेशन इन वन ऑफ द एटीट्यूड बिहेवियर. इसका बात, इसमें आपको ध्यान क्या देना है, कॉग्निटिव डिसोनेंस ने किसने बताया, किसने बताया है, फेस्टिंजर. Festinger told us about cognitive dissonance theory and also इसको ठीक करने का क्या तरीका है, या तो attitude ठीक कर लीजिए, या तो behavior ठीक कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, या तो attitude ठीक कर लीजिए, या तो behavior. जैसे कि ठीक है भाई योगा करके क्या करना है, छोड़ो आराम ही करो, ठीक है, या फिर behavior ठीक कर लीजिए, आज हो गया कल से daily योगा करेंगे. तो दोनों में किसी एक को आपको बैलेंस करना है, दैट इज हाउ यू डील विथ इट, कि आप किसी भी एक का इंपॉर्टेंस कम कर देते हैं, या तो एटीट्यूड का इंपॉर्टेंस कम कर दीजिए, या तो बिहेवियर का, कि आपके बॉस ने चलो ठीक है ना इस साल रिकमेंड नहीं किया प्रमोशन के लिए, नेक्स्ट ईयर रिकमेंड करेगा, तो चलो दिस टाइम आई विल कंप्लीट दिस वर्क, नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट डूइंग एनी एक्स्ट्रा वर्क व्हिच बॉस इज गिविंग टू मी. सो लाइक दैट यू आर रिस्टोरिंग द बैलेंस. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट. हु डिफाइंड अथॉरिटी एज अ राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस. एक अथॉरिटी का ये डेफिनेशन है, जो कि किसने दिया था, फायोल ने दिया था, बस ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट, द टू टेक्निक्स यूज इन जौहरी बंडो आर. तो जौहरी बंडो की अगर बात हो रही है, तो उसमें दो टेक्निक जो यूज होते हैं, वो कौन सा होता है, इनक्लोजर डिस्क्लोजर एंड क्लोजर. इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर, अच्छा फीडबैक दिया हुआ है
फीडबैक एंड डिस्क्लोजर, ये दोनों टेक्निक हम यूज करते हैं. कैसे, देखिए आगे बढ़ते हैं. तो जोहारी बंडो क्या है, एक टेक्निक है जिससे हम जो हमें हेल्प करता है कि हम लोगों को बेटर समझे, उनके रिलेशनशिप को बेटर समझे, है ना. इट वॉज क्रिएटेड बाय साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगन इंगम. इनका नाम भी याद रखिए, अराउंड 1916 में, इन 1955. जैसे मैंने बताया 1955-1950 इंपॉर्टेंट टाइम है पर्सनैलिटी के थ्योरीज के लिए. एंड इट इज यूज प्राइमरली इन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड कॉर्पोरेट सेटिंग इन एन ह्यूरिस्टिक एक्सरसाइज. ह्यूरिस्टिक एक्सरसाइज मतलब साइंस के कॉन्सेप्ट में, साइंस का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप खुद कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब प्रीवियस कोई भी एक एस्टैब्लिश कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका खुद कुछ कंट्रीब्यूट करो, दैट इज ह्यूरिस्टिसिज्म. जोहारी बंडो इज अ टेक्निक दैट एम्स टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देयर इमोशनल एंड फिजिकल रिलेशनशिप विद सेल्फ एंड अदर पीपल. इट शोज हाउ मच पीपल ओपन अप अबाउट देमसेल्व्स. सो डिस्क्लोजर इन दिस आंसर, आप कितना डिस्क्लोज करते हो खुद को, है ना, ये इसमें पता चलता है ना, इसलिए हमारा आंसर डिस्क्लोजर है. ये है जोहारी विंडो. तो इन दिस विंडो वो सारी चीजें आती है विच इज नोन टू सेल्फ एंड विच इज नोन टू अदर्स. आपके बारे में जो चीजें आपको पता है दूसरे को भी पता है, जो चीजें आपको नहीं पता है पर दूसरों को पता है, ब्लाइंड स्पॉट. जो चीजें आपको पता है और दूसरों को नहीं पता, वो हिडन. हिडन को हम फैकेट भी कहते हैं, हिडन को हम अवॉइडेड भी कहते हैं. तो कई बार ना इस सब में कंफ्यूजन हो जाता है, हिडन, फैकेट, अवॉइडेड, अननोन. अननोन को अननोन हो गया, जो खुद को भी नहीं पता दूसरों को भी नहीं पता, ठीक है. When we met a person for the first time, the size of the open area is not very large, small, D. Question number 19, please answer. 19 का आंसर क्या होगा सरोज, बी कैसे होगा? 19 का आंसर ए होगा. यस, नॉट, है ना, तो नॉट वेरी लार्ज. तो उसे आपके बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, ना ही उसे आपके बारे में, ना आपको उसके बारे में ज्यादा कुछ पता है, ना उसे आपके बारे में ज्यादा कुछ पता है. तो साइज ऑफ ओपन एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, है ना. जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे, उसका ये ओपन एरिया बहुत बड़ा होगा. और जिनसे आप पहली बार मिल रहे हो, ओपन एरिया बहुत छोटा होगा, करेक्ट. द हिडन सेल्फ इज ऑल्सो नोन एज, हिडन सेल्फ जो होता है ना, हिडन सेल्फ को हम अवॉइडेड भी कहते हैं. तो जो हिडन सेल्फ को हमेशा याद रखिए, हिडन को फैक्टेड भी कहते हैं, हिडन को क्लोज्ड भी कहते हैं, और हिडन को अवॉइडेड भी कहते हैं. इतने सारे नाम है, तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत कंफ्यूज करता है कोई सा भी केस विद एग्जामिनेशन. ब्लाइंड स्पॉट में अवॉइडेड या क्लोज्ड, ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है. तो हिडन को ही हम फैक्टेड कहते हैं, हिडन को ही क्लोज्ड कहते हैं, हिडन को ही हम अवॉइडेड कहते हैं. हिडन कौन सा है, हिडन है ये वाला, हिडन ये वाला, फैक्टेड भी है ये, क्लोज भी है ये, अवॉइडेड भी है ये, ओके. विच इज नोन टू अस एंड नॉट नोन टू अदर्स, नोन टू अस एंड नॉट नोन टू अदर्स. क्वेश्चन नंबर 21, प्लीज प्लीज आंसर योर सेल्फ. व्हाइल यू आर स्लीपिंग यू डिटेक्ट द साउंड ऑफ अ रिंगिंग बेल, इट इज डैश, एंड वंस यू इंटरप्रेट इट इज द साउंड ऑफ योर अलार्म क्लॉक, इट इज डैश. क्विकली क्वेश्चन नंबर 21 का ए होगा ना, बी कैसे होगा? बी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया ये तो. सेंसेशन मीन्स व्हाट? सेंसेशन मीन्स व्हाट योर फाइव सेंस ऑर्गन सेंस, दैट इज व्हाट सेंसेशन. सिंपल पता है ना इतना. ईयर, ईयर क्या है? ईयर हमारा सेंस ऑर्गन है, आपने आवाज सुनी है भाई, ये क्या हो जाएगा, ये सेंसेशन होगा ना. दिस इज अ वेरी बिग सिली मिस्टेक डन बाय एवरी वन. सिली मिस्टेक है जो हर कोई किया है इस तरह के क्वेश्चन. इससे एक लेवल हाई क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में, इससे हाई ही आएगा. इसी तरह से ट्विस्ट करते हैं, इसी तरह से कंफ्यूज करते हैं. साउंड ऑफ योर अलार्म क्लॉक, सेंसेशन इज व्हाट? व्हाट डू, अगर आप देखिए लिटरल मीनिंग एग्जाम में आ रहा है सेंसेशन, कुछ अगर टच कर रहे हो, कुछ सुन रहे हो, देख रहे हो, दैट इज व्हाट इज सेंसेशन. साउंड ऑफ योर अलार्म क्लॉक सेंसेशन होगा. और आप नींद में, आपको ना, आप यहाँ पर नींद, आप स्लीपिंग, व्हेन यू आर स्लीपिंग, आपको नींद में कुछ आवाज सुनाई दे रहा है, तो यू आर जस्ट परसीविंग दैट समथिंग इज रिंगिंग. आप उस समय सोच नहीं पा रहे हो कि वो आपके अलार्म क्लॉक का ही आवाज है, है ना. तो पहले आपने नींद में परसीव किया कि भाई देयर इज समथिंग. परसीविंग इज फाइंडिंग आउट, अच्छा देयर इज समथिंग, है ना. योर माइंड इज परसीविंग देयर इज सम साउंड. उसके बाद आपके माइंड को रियलाइज होता है, अगर माइंड आपके ईयर में सिग्नल भेजता है कि भाई ये तो साउंड है, तो फिर आपको पता चलता है कि अलार्म क्लॉक है. तो परसेप्शन एंड सेंसेशन, व्हाई दिस सिली मिस्टेक, इंटरप्रेट से कंफ्यूजन हुआ सबको क्यों कंफ्यूजन हुआ? व्हाइल यू आर स्लीपिंग यू डिटेक्ट द साउंड ऑफ अ रिंगिंग बेल, एंड वंस यू इंटरप्रेट. इंटरप्रेट से कंफ्यूजन नहीं, इंटरप्रेट से सॉल्यूशन मिलना चाहिए आपको, कि जब आपके ईयर्स ने इंटरप्रेट किया, दैट मींस ये इंटरप्रिटेशन हुआ, तब सेंसेशन है, करेक्ट.
interpret what should help you. It should not confuse you. Okay? चलिए तो ये सारी चीजें आपको आप ना एक याद रखिए बिल्कुल माइंड में कि हाँ आज के दिन ऐसी गलती हुई तो एग्जाम में इस तरह से सिली मिस्टेक नहीं करेंगे. जितनी भी तरीके से सिली मिस्टेक हो सकती है वो सारे क्लासेस में हो जाए तो ठीक है राइट. तो इस तरीके से ध्यान देना है. इन फर्स्ट केस साउंड इज हियर्ड बाय वन सेकेंड नहीं परसेप्शन एंड सेंसेशन होगा. वन सेकेंड कुछ तो कंफ्यूजन है. In the first case, sound is heard by ear. It is just a sensation. Afterwards, the meaning of sensation is derived, so it is perception. Achha, theek hai. I'll get back to the question tomorrow in the first session. Mein is question ko fir se discuss karte hain. Theek hai? Chaliye, abhi aage badhte hain. Dash is a stage in group development characterized by close relationship and cohesiveness. So, group formation mein char stages hain: forming, storming. Norming, performing, adjourning. Okay? यहाँ पे ग्रुप फॉर्म होता है, नए लोग हैं और आपस में हाई हेलो एक अच्छा सा इंटरेक्शन होता है. स्टॉर्मिंग में क्या होता है, यू मूव पास्ट इनिशियल इंट्रोडक्शन और यहाँ पे आप कॉन्फ्रंट करते हो एक दूसरे से, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, आइडियाज में कॉन्फ्लिक्ट होता है. नॉर्मिंग में क्या होता है कि जो इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट होता है जो आइडियाज में, वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाते हैं. आप सभी को रियलाइज होता है कि वी आर मेंट टू परफॉर्म, तो आप सब रिकॉन्साइल हो जाते हो और डिसाइड करते हो काम कैसे करना है. रिकॉन्सिलेशन फेज होता है. यहाँ पर आप एक्चुअली परफॉर्म करते हो और एडजर्निंग में फिर इसको मॉर्निंग स्टेज भी कहते हैं जिसमें गुड बाय हो जाता है राइट. तो इन इट इज अ स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट कैरेक्टराइज बाय क्लोज रिलेशनशिप एंड कोहेसिवनेस. तो यहाँ पे कौन सा होगा, इट इज अ स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट कैरेक्टराइज बाय क्लोज रिलेशनशिप एंड कोहेसिवनेस है ना. परफॉर्मिंग, देखिए फॉर्मिंग में क्या हो रहा है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ टीम डेवलपमेंट इज फॉर्मिंग विच इज अ लॉट लाइक ओरिएंटेशन डे एट कॉलेज और न्यू जॉब. एनवायरमेंट प्लेजेंट है, पोलाइट है, सब आपस में इनिशियल इंट्रोडक्शन हायर हो. स्टॉर्मिंग में रियलिटी आती है, लोगों के पर्सनैलिटीज क्लैश होते हैं, डिसएग्री होते हैं लोग. उसके बाद नॉर्मिंग में रियलाइज करते हैं कि भाई चलो साथ में काम करना ही है, अप्रिशिएट करते हैं लोगों के स्ट्रेंथ को और धीरे धीरे सब कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं. कोहेसिव यूनिट में परफॉर्मिंग में एक्चुअली परफॉर्म करते हैं तो कॉन्फिडेंट होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, फैमिलियर होते हैं एक दूसरे के प्रोजेक्ट से एंड द टीम दे कैन ऑपरेट विदाउट सुपरविजन. और एडजर्निंग एक मॉर्निंग स्टेज होता है बिकॉज मेंबर्स हैव ग्रोन क्लोज एंड फील अनलेस नाउ दैट एक्सपीरियंस इज ओवर, है ना. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक क्लोज रिलेशनशिप और कोहेसिवनेस की बात हो रही है. तो वो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होगा. यहाँ पे लोग क्लोज आना शुरू करते हैं पर परफॉर्मिंग में एक्चुअली परफॉर्म करते हुए दे गेट वेरी क्लोज और एक कोहेसिवनेस होता है जो कि एडजर्निंग में खत्म हो जाता है ना. चलिए परफॉर्मिंग होगा हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 23, अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न एट्रिब्यूटेड टू समवन ऑक्यूपाइंग ए गिवन पोजीशन इन अ सोशल यूनिट. सोशल यूनिट में कोई एक अच्छा पोजीशन ऑक्यूपाई किया हुआ है, जैसे कि पंचायत है, पंचायत का कोई हेड है, सरपंच है, या फिर सोसाइटी का कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, बीडीओ है, ठीक है. तो सोसाइटी का कोई पोजीशन है तो वो सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न, तो उसका एक बिहेवियर पैटर्न पंचायत के जो होंगे जो सरपंच होंगे ठीक है, उनका एक कोई सेट ऑफ बिहेवियर पैटर्न होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, वो इनफैक्ट दैट इज अ रोल, दैट विल बी रोल. तो रोल क्या होता है, कि रोल होता है कि आपको एक सर्टन रोल प्ले करना है. यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, एनीथिंग. तो इफ यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ फादर, यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टन वे. दैट मीन्स यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव, यू आर एक्सपेक्टेड टू टू हैव अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड सेट ऑफ बिहेवियर पैटर्न, है ना. आपके फादर के रोल का एक बिहेवियर पैटर्न होगा. इफ यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ ब्रदर तो एक सेट ऑफ सर्टेन बिहेवियर पैटर्न होगा. तो यहाँ पे आंसर हमारा रोल हो जाएगा कि जो भी आपको पोजीशन मिलता है सोसाइटी में, जो भी आपको पोजीशन मिलता है सिस्टर का, मदर का, या फिर कुछ भी नर्स का, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक सेट ऑफ बिहेवियर पैटर्न होता है. दैट इज व्हाट इज रोल. रोल का डेफिनेशन ही यही है. ये देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29. रोल परसेप्शन, रोल एक्सपेक्टेशन, रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड रोल कंफ्यूजन. ये चारों वर्ड अलग अलग हैं और इनको मैच करना है. रोल परसेप्शन, रोल एक्सपेक्टेशन, रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड रोल कंफ्यूजन. रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल कंफ्यूजन, ये चारों टर्म अलग अलग हैं. 29 का आंसर मेरे ख्याल से 1 होगा क्योंकि सब कुछ सीधा सीधा मैच्ड है. यस, 1 होगा.
रोल परसेप्शन आपने क्या परसीव किया है, इंडिविजुअल व्यू ऑफ हाउ वी सपोज टू एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन। परसेप्शन भी क्या होता है, आपके माइंड का जजमेंट इज योर परसेप्शन। परसेप्शन इज व्हाट, योर माइंड जजमेंट है ना, आपका माइंड जो भी देख सुन के जो समझा है आपका माइंड ना, दैट इज योर रोल परसेप्शन। ठीक है, तो जो कॉग्निटिव एटीट्यूड होता है ना, उसको कई बार लोग परसेप्शन के डेफिनेशन से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। परसेप्शन का डेफिनेशन थोड़ा कॉग्निटिव एटीट्यूड की तरह है, एटीट्यूड का जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है, मतलब आपके माइंड ने क्या समझा है, आपके माइंड ने क्या जज किया है, आपके माइंड ने क्या फाइंड किया है, क्या इंप्रेशन बनाया है, दैट इज व्हाट इज योर परसेप्शन। तो रोल परसेप्शन इज इंडिविजुअल व्यू ऑफ हाउ इज सपोज टू एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन, उसने क्या समझा है कि हाउ इज सपोज टू एक्ट। रोल एक्सपेक्टेशन, लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है, कोई पर्सन है अगर वो सरपंच है किसी पंचायत का मान लीजिए, तो लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है कि हाउ वी शुड एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन, दैट इज रोल एक्सपेक्टेशन। योर रोल एक्सपेक्टेशन ऑफ सरपंच इन अ विलेज विल बी हिज रोल एक्सपेक्टेशन। रोल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर होता है, स्पेशल फॉर्म ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट दैट टेक्स प्लेस व्हेन वन इज फोर्स्ड टू टेक ऑन टू डिफरेंट एंड इनकॉम्पैटिबल रोल्स एट द सेम टाइम। ये कब होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट इस समय हो सकता है कि आपको दो रोल प्ले करना है और दोनों इनकॉम्पैटिबल है, दोनों इनकॉम्पैटिबल रोल हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर क्लास में एब्सेंट है और वो उस थोड़ी देर के लिए, और उसने आपको बोला है क्लास को मैनेज करने के लिए, होता था, जस्ट यूज्ड टू हैपन इन स्कूल। ठीक है, तो यू वॉन्ट टू डू सम मिस्टेक, यू वॉन्ट टू मेक नॉइज, बट आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको एट द सेम टाइम आपको क्लास मॉनिटर का भी रोल प्ले करना पड़ रहा है। या फिर मान लीजिए कि कोई यूनिवर्सिटी का कोई पर्सन है, समवन इज एक्टिंग डीन, तो हो सकता है कि डीन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, एनी टीचर इज मान लीजिए फॉर सम डेज हिज देयर इज एक्टिंग डीन, तो टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और एक्टिंग डीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, दोनों में कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, स्पेशल फॉर्म ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट दैट टेक्स प्लेस वन इज फोर्स्ड टू टेक ऑन टू डिफरेंट एंड इनकॉम्पैटिबल रोल्स एट द सेम टाइम। कंफ्यूजन क्या होता है, सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल हैज ट्रबल डिटरमाइनिंग व्हिच रोल ही और शी शुड प्ले, वेयर द रोल्स आर नेसेसरी नॉट कंपैटिबल। यहाँ पे ऐसा नहीं कि रोल्स इनकॉम्पैटिबल है, ऐसा कोई बात है ही नहीं कि रोल्स इनकॉम्पैटिबल है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन कौन सा रोल प्ले करे, जैसे कि एनी पर्सन इज देयर। ठीक है, तो उसका अभी क्या है, एट सम टाइम मान लीजिए उसका सन इज इल, एनी पर्सन विद सन इज इल एंड हिज फादर इज आल्सो इल, एंड हिज फादर इज आल्सो इल, बोथ ऑफ देम आर इल। ठीक है, एंड दिस हैज टू टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ देम एंड ही इज ओनली मान लीजिए 10 मिनट्स टाइम, तो वो या तो इसके पास जा सकता है या तो इसके पास जा सकता है। तो यहाँ पे क्या, ऐसा नहीं कि कुछ इनकॉम्पेटिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि इनकॉम्पेटिबिलिटी है, बट he has limited time whether he should work, whether he should go to his son or whether he should go to his father, whether he should play the role of a son or whether he should play the role of a father, right? यहाँ पे role का confusion है, यहाँ पे roles incompatible नहीं है but roles का confusion है, लेकिन क्या है, यहाँ पे roles दोनों incompatible है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीचर है और टीचर ने आपको क्लास का प्रिफेक्ट बना दिया है, अब आपको क्लास में शांति में रखनी है, एट द सेम टाइम यू वॉन्ट टू मेक नॉइज ऑल्सो, तो वहाँ पे क्या है, incompatibility है। तो इनकॉम्पेटेबिलिटी आएगी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, इनकॉम्पेटेबिलिटी नहीं है बट कंफ्यूजन है, भाई इधर जाए कि इधर जाए, तो रूल कंफ्यूजन है। डन, चलिए, सो विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन टुडे एंड थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। टुमारो देयर विल बी नहीं टुमारो वी आर नॉट हैविंग सेशन, वी आर हैविंग सेशन डे आफ्टर टुमारो ऑन 3rd of August वी विल बी हैविंग नेक्स्ट सेशन। ठीक है, या सो आई विल बी एंडिंग द सेशन नाउ, तब तक आपके पास 48 hours टाइम है, आप बहुत अच्छे से यूनिट 4 को कम्प्लीटली रिवाइज कीजिए। एक हाई लेवल क्वेश्चन का सेशन होगा, सिंपल क्वेश्चन वी विल नॉट बी सॉल्विंग। ठीक है, या सो थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम।